बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। कि वो परेशान हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। श्रद्धा गुप्ता जो कि अपने माँ बाप के लिए मेहनत कर रही थी और फैजाबाद में जाके नौकरी कर रही थी, इसी से आप समझ लीजिए। यही नहीं, अभी हाथरस का केस श्री नकुल दुबे जी ने बताया आपको कि कितनी बर्बरता पूर्वक उनकी लड़की को मार के जला भी दिया गया। जो कि धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम है कि माँ बाप के हाथों से ये संस्कार होता है या ये काम रात में कभी नहीं होता है। वो उन लोगों ने ये काम करके दबाने के चक्कर में कि उस बात को वहीं दबा दिया जाए, उनके अधिकारियों ने वो उसको रात में पेट्रोल डाल के जला दिया। इसी तरह आपके उन्नाव में भी यही रेप का केस हुआ है और यहाँ जिसने केस किया वो आज मंत्री के पद पे बैठा हुआ है। और दूसरा, इसी तरह से वहाँ आपके महोबा में भी इसी तरह की घटनाएं आम हो गई हैं जो कि रोज़ सुनने में आती हैं और हर दो घंटे में कहीं कोई बलात्कार हो रहा है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं हत्याएं हो रही हैं। लड़कियां तो लड़कियां, यहाँ के भाजपा सरकार में हमारे नौजवान भी महफूज नहीं हैं। अभी आपने सुना होगा कि एनकाउंटर के नाम पे कितने लोगों को की लड़की हुई हत्या कर दी गई, उनकी माँ बेटियों को कोई पूछने वाला नहीं है। वो बेचारी घर में अकेले हैं, ना उनकी थाने में कोई पूछ हो रही है, ना उनकी कहीं सुनवाई हो रही है। ये उनके सुहाग को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। अभी कोरोना काल में एक बेचारा नौजवान अपने माँ बाप के इलाज के लिए आया और उसको ले जाके पुलिस ने, लखनऊ का ही है, कैंट एरिया में ले जाके उसका एनकाउंटर कर दिया। अब इस पर कौन क्या पूछे कि क्या उसका कारण क्या था, उसका अपराध क्या था। अगर ऐसे ही हैं तो उनको पकड़ के आप डालिए जेल में और जो न्यायालय है उसमें नियम अनुसार जो भी कार्रवाई करेगी वो न्यायालय करेगी। अगर वो अपराधी हुआ तो उसको दंड देने का काम न्यायालय का है, ना कि इस तरह से आधिकारिक रूप से उसको एनकाउंटर के नाम पर मार दिया जा रहा है। यही नहीं, आम जाति के, एक विशेष जाति के ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं। महंगाई का हाल तो आप लोग जानते ही हैं, सभी महिलाएं अपनी रसोई घर से परिचित हैं कि कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 1000 रुपए पार कर गया है। मतलब कहने का है कोई भी चीज़ है वो चौगनी हो गई है इस सरकार में। हम तो ये कहेंगे आलू प्याज टमाटर छोड़िए, डीजल पेट्रोल ये किसको बढ़ावा मिल रहा है, सिर्फ उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है। इसी जगह अगर बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए तो वो शायद ये महंगाई को भी झेल लें, लेकिन जो कम आमदनी वाले हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनसे पूछिए जाके तो उनका घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। तो बीजेपी सरकार ने हम लोगों को क्या दिया है, सिर्फ दिक्कत ही है। या तो सुरक्षित नहीं है या आपके यहाँ महंगाइयाँ हो रही हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के यहाँ, गरीबों के यहाँ एक टाइम खाना बन रहा है, लेकिन सरकार को उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपकी सपा सरकार में भी अराजकता का ये था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी और गुंडा राज, सभी लोग जानते हैं कि उसको गुंडा राज कहते थे, जिसकी संपत्ति पे नज़र पड़ जाए वही हड़प ली जाती है। जो विकास के काम हुए हैं वो सारे प्रोजेक्ट बहन कुमारी मायावती जी के थे, जैसे कि आपका स्टेडियम या मेट्रो के पूरा उसका बजट और भूमि आवंटन DPR वगैरह सब तय हो गया था। बाद में मोहर लगाने का काम सपा सरकार ने किया था 2012 के बाद। इसी तरह जो स्टेडियम बनाया गया था इंटरनेशनल, वो भी बहन जी का ही प्रोजेक्ट था, उसमें भी समाजवादी पार्टी की मोहर लगी हुई है। इसी तरह एक्सप्रेसवे पार्कों का निर्माण जो हुआ था